अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे सेल और इसके साथ पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज हम प्रोटीन और एंजाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेल एक्चुअली क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी बॉडी की वो सेल है। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर बॉडी, ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, जो हम फूड खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी को जाके लगते हैं या हमें जो हम जो उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं वो इस सेल की वजह से होता है। कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, और उसको उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड कैरी आउट द स्पेशलाइज फंक्शन, और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जो है ना परफॉर्म करते हैं। ये फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, नर्व सेल्स किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, हार्ट किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, इस तरह वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स उन सब के बारे में, वो सारे सेल से बिलोंग करते हैं। अब एक्चुअली जो सेल बेसिकली जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। इन दोनों का डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, मतलब सेल्स लैक अ न्यूक्लियस, और जो यूकैरियोटिक होता है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड, इनके उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और वो उसकी इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। ऑल क्रोमोसोम्स आर इन न्यूक्लियस, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो सिंगल सेल्स होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एब्सेंट होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल हम ले लें तो ई कोली बैक्टीरियस जो होते हैं हमारे पास, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स फंजाई इंसेक्ट्स एक्सेट्रास। ये तो हमारा था सेल के बारे में। अब हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड आर द मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, यानी कि जो मेन इंफॉर्मेशन है ना सेल्स की वो न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से जो है ना कैरीड आउट होते हैं। एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जो है ये क्या प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं। दे डिटरमिन इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। अगर आपने ये अभी ऑब्जर्व किया हो तो इसके अंदर ये बताया गया है कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली क्या क्या होता है, वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को कैरीड आउट करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आता है। इसी तरह इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स जो हम कहते हैं ना कि वो मतलब वो अपने फादर से एग्जांपल करता है, उसकी जो फीचर्स हैं अपने फादर से हैं, इसका मतलब ये इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये खसूसियात जो हैं ये विरासती एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुई हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से होता है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स, एक है हमारे पास डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इन दोनों को शॉर्टली डिफरेंशिएट करेंगे। डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। मतलब डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो हर किसी के अंदर पाया जाता है, चाहे वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो या वो मल्टी सेलुलर मेमल्स हों। लेकिन आरएनए जो है वो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो डीएनए के काम करता है। आरएनए इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इज प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस में पहले भी आपको बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आता है, करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर काम आता है, या इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट करता है। तो आरएनए का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आता है, और कैरिंग आउट द मैसेंजर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए, और जो डीएनए से इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसे कैरिड आउट के बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुँचाता है। फंक्शंस क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ऑल सेल्स एंड वायरसेस। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैव टू डू विद द स्टोरेज, मतलब इसका फंक्शन ये होता है कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड चीज़ें हैं उनके साथ काम करना, और एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि जेनेटिकली जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही हैं उनके उनको एक्सप्रेस करना। डीएनए इनकोड्स द इन्फॉर्मेशन द सेल नीड्स टू मेक प्रोटीन, डीएनए वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड्स करता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए काम आती हैं। अब हमारे पास एक्चुअली डीएनए आरएनए के सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज हैं बीन्स हैं, पीज है, स्पाइनक है, कॉलीफ्लावर्स है, मशरूम, एक्चुअली ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम होता है ना, इसलिए सारी आपके पास प्रोटीन होगी तो ही सिंथेसाइज करोगे ना उसे।
या आर द सोर्सेज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब हम चलते हैं प्रोटीन की बात। अगर आप देखें तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। पहले आपने सेल को बताया, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को बताया, अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रोटीन के बारे में बताया गया, तो अब प्रोटीन की बारी है कि द प्रोटीन्स ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। के अमाइनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर। इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो हमारे पास उसमें प्रोटीन में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। अगर हम अपने बॉडी अगर हम अपनी फूड के बारे में देखें तो हमारी फूड में भी ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है। अब अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। हमारे पास अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। उसकी टू हमने उसकी पोर्शन में करा, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। द इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। कि अलग जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के, वो अमाइनो एसिड्स के होते हैं। एक्चुअली यूँ समझ लें कि जो पूरी प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी है। अब अमाइनो एसिड्स किस चीज़ से मिलकर बना है, वो हमारे पास ग्रुप है, उसमें एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और फिर वो अटैच होता है हाइड्रोजन से, और ये सारा कुछ अटैच होता है कार्बन से। अब किसी भी अमाइनो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती हैं उस आर फैक्टर्स से। द नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमिन्स द आइडेंटिटी एंड द यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईच अमाइनो एसिड्स। के जो क्या जो अमाइनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो जस्ट डिपेंड ऑन द आर। आर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, कि वो कार्बन हो जाए, वो नाइट्रोजन हो जाए, वो सल्फर हो जाए, उसके अकॉर्डिंग। अब देखें, ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C-OH, ये अमाइनो ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है। ये अमाइनो ग्रुप का बेसिक फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए जैसे डिफाइन अमाइनो एसिड्स, तो उसमें आप ये डिफाइन कर लेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे क्या है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उसके बाद उसका ये फार्मूले को एक्सप्लेन कर देंगे, ये अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। कि हम प्रोटीन जो लेते हैं अपनी बॉडी में फूड को खा के, तो उस प्रोटीन का बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोटीन परफॉर्म मैनी फंक्शंस, सम आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ जो हैं वो गिवन है। पहला है एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब जितने भी एंजाइम्स हम ले लें वो प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल गिवन, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन एक्सेट्रा। एंजाइम कंट्रोल्स अ सेल मेटाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है सारा, किसी तरह का भी ले लें, वो उसको एक एंजाइम्स कवर करते हैं। हार्मोन्स की बात कर लें, सम हार्मोन्स आर द प्रोटीन्स। एग्जाम्पल गिवन, इंसुलिन की बात कर लें, हार्मोन्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़। इंसुलिन को अगर हम शुगर से रिलेवेंट कर दें, तो अगर हमारी बॉडी का शुगर लेवल नॉर्मल होगा तो ही हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकेंगे, और ये सारा काम जो है वो हार्मोन्स कर रहे होते हैं। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस। वही ना, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो एज अ एंटीबॉडीज़ वर्क करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है, वो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं। कि हमें फ़ीवर हो गया, तो वो फीवर ख़त्म कैसे होगा, वो हमारे एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगे उस डिजीज़ के साथ, तभी वो जाके ख़त्म होगा। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, कुछ हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, लाइक फाइब्रोजिनस, प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इंजरी। हमें कट लग जाता है, थोड़ी देर जो है ना ब्लड फ्लो करता है, उसके बाद जो है वहाँ पर क्लॉट बन जाता है। अब उस क्लॉटिंग का प्रोसेस किस वजह से होता है, वो इस प्रोटीन, फाइब्रोजिनस प्रोटीन की वजह से होता है। अब जो पेशेंट होते हैं थैलेसीमिया और एनीमिया के, उनकी इसी उनका ही तो मसला होता है कि उनका कट लग जाए तो उनका जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर ये फाइब्रोजिनस प्रोटीन जो है एबसेंट हो जाती है, नेचुरली इनहेरिटेड जो है ना उनके अंदर एबसेंट हो जाती है। क्रोमोसोम्स फंक्शंस फॉर्मेशंस, प्रोटीन्स हिस्टोन्स आर आल्सो प्रेजेंस इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब ये सारे, क्योंकि मैं कह रही थी कि आपको टॉपिक्स लिंक्ड है ना, तो इसके बाद जब हम एंजाइम्स करेंगे, वो यहाँ हमने बता दिया कि एंजाइम एक्चुअली हमारे पास क्या है, प्रोटीन ही है। क्या काम करता है, सेल मेटाबॉलिज्म का काम करता है। अब हम एंजाइम्स की तरफ चलते हैं कि एंजाइम्स एक्चुअली क्या है हमारे पास। एंजाइम हमारे पास क्या है, एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम्स विच आर द न्यूक्लियसिस। मतलब एंजाइम्स हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा था कि वो प्रोटॉन सिंथेसिस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक्सेप्ट क्या, जो हमने राइबोसोम्स पढ़े थे आरएनए, वो उसमें नहीं आता, डीएनए तो है, वो प्रोटॉन प्रोटीन वो आता है एंजाइम्स के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, अब एंजाइम्स की वेरियस करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन अबाउट 10 करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, गोल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब कोई अगर रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन और हमने कार्बन
कार्बन मिक्स कोई फूड भी लिया है और इस तरह हाइड्रोजन मिक्स प्रोटीन कोई प्रोटीन भी लिया है, तो उनका जो अंदर रिएक्शन होगा वो एंजाइम उसको स्पीड अप करेगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस को भी इंक्रीज़ करता है। नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट्स, अब ये सिर्फ उस रिएक्शन को तेज़ करेगा लेकिन उसके जो है ना उसके एंड प्रोडक्ट जो हमें आउटपुट मिलेगी उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसको कम या ज़्यादा नहीं करेगा, वो हमें उतनी की उतनी मिलेगी जितनी हम रिएक्टेंट्स देंगे। यूँ एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपने मतलब 100 kg शुगर लिया है तो उसको 100 लीटर के अंदर मिक्स करें तो आपको प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर उसको आप स्टोव पर रख दें तो ड्यू टू हीट जो है वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो इसमें हीट क्या हो गया, एज एंजाइम वर्क कर रहा है उसके अंदर, उसके एंड प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अमाउंट ऑफ एन एंजाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन ब्रिंग द चेंज इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सट्रेट, मतलब अगर हम थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एंजाइम्स लें तो उसका अफेक्ट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा सब्सट्रेट पे अंदर, और मतलब एक थोड़ा से एंजाइम्स जो हैं मॉलिक्यूल्स वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन 1 सेकेंड में। एक सिंगल एंजाइम जो है वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स को सब्सट्रेट को 1 सेकेंड में ब्रेक कर सकता है। स्पेसिफिसिटी उसकी जो है उस मतलब उसकी स्पेसिफिक वो क्यों है, किस वजह से है, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन द रिएक्शंस, जनरली अ सिंगल एंजाइम के एटलीस्ट सिंगल केमिकल रिएक्शंस ग्रुप ऑफ रिलेटिव रिएक्शन, ये जैसे पीछे उन्होंने बात कर दी अमाउंट ऑफ एंजाइम्स के अंदर कि एक सिंगल एंजाइम्स जो है वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स को जो है ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसका मतलब यही है कि इसकी स्पेसिफिकेटी में भी यही आएगा। फॉर एग्जांपल सेलुलर एंजाइम्स ओनली डाइजेस्ट द सेलुलोज, जैसे और दूसरी यही बात है कि अगर एक सिंगल एंजाइम है तो वो एक तरह के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है कि अगर डाइजेशन का फंक्शन है वो कोई और एंजाइम्स वो सेलुलोज ही करेंगे, इसी तरह कोई और फंक्शन होगा तो उसको उसी के ही सेलुलोज उसी के ही एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। सेंसिटिविटी क्या है इसके अंदर, थोड़ी स्मॉल सेंसिटिविटी है कि पीएच के चेंज होने से चेंज हो जाता है, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है, और सब्सट्रेट कंस्ट्रक्शन सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है वो थिक है वो थिन है उससे भी इसकी सेंसिटिविटी जो है ना वो हो जाती है। पेप्सिन एंजाइम्स वर्क ओनली ऑन द पीएच ऑफ द टू, अब देखिए इनकी एक स्पेसिफिक पीएच है, उससे बढ़ जाएगा या उससे कम हो जाएगा तो नुकसान होगा। अब उन्होंने कहा जो पेप्सिन एंजाइम्स हैं उसकी पीएच ओनली 2 है एट टेम्परेचर ऑफ 36 और 37 डिग्री। एंजाइम्स ऑन द कोफैक्टर, सम एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, कुछ एंजाइम्स जो हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपने ही कोफैक्टर मतलब उनको एक और साथी चाहिए होता है उसके लिए रिएक्शन के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी जो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना मतलब वो एनर्जी जो उसको रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए चाहिए होती है उसे ये लोअर कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ यूज इन द केमिकल रिएक्शन, वही जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी एक्टिवेशन, एक्टिवेशन उसके नेम से ही जाहिर है यानी कि एक्टिव कर देना किसी चीज़ को। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें ये हमारे पास इसकी फिगर है, अगर हम देखें एंजाइम्स की, ये हमारे पास रिएक्टेंट है मतलब दो प्रोडक्ट्स लिए हमने कार्बन हाइड्रोजन के कोई रिएक्टेंट लिए, ये उसको एंजाइम्स के बगैर भी देख लें और एंजाइम्स के साथ भी देख लें, ये एक्चुअली उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जब एंजाइम रिएक्ट करेगा तो वो लोअर हो जाएगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग द कैटलिस्ट, ये उसकी विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये जब उसको एंजाइम देंगे एज अ कैटलिस्ट तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी। डैमेजिंग द अफेक्ट ऑफ द एंजाइम, सम एंजाइम्स आर डैमेजिंग इफ दे बिकम एक्टिव इन रॉन्ग प्लेस, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो डैमेज भी कर देते हैं हमारे रिएक्शन को अगर वो रॉन्ग प्लेस पे हो, मतलब कहाँ कहीं पर हमें कम चाहिए एंजाइम वहाँ हमने ज़्यादा लगा दिया तो वो रॉन्ग प्लेस पे आ गया वो उस रिएक्शन को डैमेज कर देगा। एग्जांपल्स पेप्सिन, पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट कैन डिस्ट्रॉय, इसी के एग्जांपल ले लें अगर हमने ओवर ईटिंग कर लिया तो हमारी बॉडी जो है उसका जो है साइड इफेक्ट होगा, वॉमिट हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इस तरह से। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज़ प्रोड्यूस इन एन इनएक्टिव पेप्सोजिन फ्रॉम द फॉर्म बाय द सेल्स इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज कॉल्ड लाइसोसोम, ये उन्होंने पेप्सोजिन की एग्जांपल्स दिए। डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है कि अगर जो है ना इनएक्टिंग कंडीशन में होगा हमारे पास। एंजाइम अटैच टू द मेम्ब्रेन, मोस्ट एंजाइम डू नॉट फ्लॉट इन द साइटोप्लाज्म बट अटैच टू द मेम्ब्रेन इन द सेल, मतलब एंजाइम बाज़ जगह पर जो है ना फ्लॉटिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फ्लॉट करें, कभी ऐसा भी होता है कि एंजाइम वहाँ पर फ्लॉट नहीं करें, वहाँ उसकी बॉडी के साथ जो है ना वो
अटैच्ड हो जाएँ, ये यहाँ तक बहुत है। एग्जाम्पल है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, ये यहाँ तक बहुत है। उसके बाद हम करते हैं एंजाइम्स और कैटलिस्ट के दरमियान डिफरेंस, के एंजाइम्स और कैटलिस्ट का डिफरेंस क्या, दोनों का वर्क यही है कि वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, लेकिन मेन डिफरेंस क्या वो चलते हैं। एंजाइम बायोकैटलिस्ट आर ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर, दैट इज़ द आरएनए एंजाइम्स, राइबोसोम्स आर द नोटेबल एक्सेप्शंस। और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक और केमिकल कैटलिस्ट आर द नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन्स हमारे पास नेचर होते हैं, ये इन ये नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन कैटलिस्ट इन स्पेसिफिक रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन में ये हाईलिस्ट जो है ना स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं। दे मे कैटलाइज डिफरेंट रिएक्शंस, ये एक ही जो है वो एक ही स्पेसिफिक रिएक्शन करेगा, ये नहीं है कि हम एक एंजाइम को डिफरेंट रिएक्शंस के लिए यूज़ कर लें। नो, ये कैटलिस्ट जो है वो एक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, बहुत सारे रिएक्शंस के तौर पे यूज़ हो सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द एंजाइम डू नॉट ऑलवेज रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, मतलब जो यूटिलाइज हो गया वो यूटिलाइज हो गया, ये नहीं है कि जो हमने यूज़ कर लिया वो दोबारा हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नो, जबकि कैटलिस्ट जो है रिटर्न अपनी ओरिजिनल स्टेट में हो जाता है। कैटलाइजेस कैन अकर थ्रू द एक्टिव साइट प्रेजेंस इन द एंजाइम, ये पीछे भी उन्होंने बात कर दी कि एंजाइम एक्टिव होगा तो ही कैटलाइज का काम करेगा, लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो वो डैमेज कर देगा रिएक्शन को। जबकि हम कैटलाइज की बात करें तो दे टेक पार्ट एज अ होल, ये इनएक्टिव कंडीशन में भी हो सकता है और एक्टिव कंडीशन में भी हो सकता है। जनरली प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल्स एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लिविंग सेल्स, कि ये लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं या इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल भी एक्ट करते हैं किसी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो साइटोप्लाज्म पौधों के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट। कैटलिस्ट जनरली टेक प्लेस आउटसाइड द लिविंग थिंग, ये लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं और ये लिविंग सेल्स के बाहर रहते हैं, ये इनका टू मेन डिफरेंस है, ये एज अ शॉर्टली आ सकता है। यहाँ तक हमारे दो लेक्चर्स कंप्लीट हुए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।